हेलो फ्रेंड्स, जगजीत बेदी हियर फ्रॉम शेड्स इंटरनेशनल, ए क्लस्टर ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट। आज हम किड्स के लिए हेयर ब्रांड के ऊपर सिपियां और कलरफुल सिपियां और कौड़ियों से उसको डेकोरेट करेंगे, क्राफ्ट वर्क करेंगे। करते हैं स्टार्ट। ये मेरे पास प्लेन हेयर ब्रांड है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैं कलरफुल लेती हूँ प्रिंटेड, इसके ऊपर कौड़ियां लगाकर दिखाऊंगी। मैंने सेंटर प्लेस लिया, इस पर ग्लू लगाया और एक कौड़ी लगा दी। इस तरह से हम इसके ऊपर इस तरह से कौड़ियां लगाते जाएंगे, थोड़ी थोड़ी जगह छोड़कर। ये मेरे पास कौड़ियां, आप देख सकते हैं, कौड़ियां लगाते जाएंगे इस तरह से। कौड़ियां बहुत प्यारी लगती हैं, बड़े एंटीक लुक में आती हैं, आप देख सकते हैं। मैं लगाती जा रही हूँ, बहुत प्यारी लग रही है। कौड़ियों के बीच में होलो होता है, इसलिए आप थोड़ा सा किनारे पे लगाएंगे इस तरह से यू शेप में। और कौड़ियों का जो पॉइंट वाला हिस्सा है वो नीचे की तरफ रखना है, आप देख सकते हैं इस तरह से। मैं अभी आपको दो तीन और लगाकर फिर दिखाती हूँ। अब आप देख सकते हैं, ये देखिए कितनी प्यारी लुक आई है। ये प्रिंटेड था, प्लेन था, बट मैंने कौड़ियां लगाकर इसको डिफरेंट कर दिया। मैं इसे आपको गले में भी पहनकर दिखा सकती हूँ, आप लुक देख लीजिए। और मैं सिर पर भी पहन के दिखाती हूँ, ये सिर पर पहन के यहाँ पर रखती हूँ मैं, आप देख सकते हैं। जब आप कौड़ियां लगाएं तो उसका रुख एक तरफ ही होना चाहिए, अगर पॉइंट नीचे है तो नीचे होना चाहिए। ये ब्लैक मैंने लिया है, इसके ऊपर मैं आपको कौड़ियां लगाकर दिखाती हूँ। दो कौड़ियों का, दो कौड़ियां लगाऊंगी, आप देखिएगा कितनी सुंदर लगती हैं। खाली दो कौड़ियों से इतना सुंदर और बिल्कुल एंटीक लुक में लगेगा ये। ये देखिए, आप इस कौड़ियों को चाहे तो इस साइड भी लगा सकते हैं, बीच में भी लगा सकते हैं, तीन भी लगा सकते हैं। मैं तीन कर देती हूँ इसको, आप तीन में देखिए। देखिए ये तीन में देख सकते हैं आप कितना प्यारा लुक है। ये मेरे पास कलरफुल सिपियां हैं, ये सिपियां लगाकर दिखाती हूँ मैं आपको। मैंने सेंटर प्लेस के साइड में दो होल, दो जगह ग्लू लगाया है और एक जगह मैंने ये लगा दिया, एक जगह मैंने ग्रीन लगा दिया। अब इसके साइड में मैंने फिर से एक लगाना है, ये मैंने येलो लगा दिया इस तरह से। आप चाहे तो इसको बदल भी सकते हैं, आप चाहे तो इसकी डायरेक्शन ऐसे भी ले सकते हैं, ये मैंने ऐसे कर दी। आप चाहे तो उसको बदल भी सकते हैं, डायरेक्शन आपके ऊपर है, आप कैसे लेना चाहते हैं। ये देखिए मैंने ये इस तरह से लगा दी, ये थोड़ा सा डिफरेंट और एंटीक लुक में हो जाता है, बहुत ही प्यारा लुक है, आप देख सकते हैं इसको। इसी तरह से मैं आपको प्लेन सिपियां लगाकर दिखाती हूँ। ये मैंने सेंटर प्लेस लिया और इस तरह से ये मैंने सिपी को लगा दिया, देखिए इस तरह से। आप चाहे तो सिपी की डायरेक्शन इस तरह से कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं, जैसे आपको दिल करे आप उसको चेंज कर सकते हैं। ये मैंने इस तरह से लगाई है, देखिए। दो तीन और लगाकर दिखाती हूँ। लेकिन आप सिप्पी को इसी तरह से लगा सकते हैं, आप टेढ़ी मेढ़ी नहीं लगा सकते, इस तरह से लगाने से ये स्टेबल रहेगी। और सिप्पी को आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, मतलब उसका मुंह अगर ऊपर है या नीचे है वो आपको अच्छा लगेगा, वो अगर आप वैसे करेंगे थोड़ा सा एंटीक लुक में आएगा। ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, जैसे कि आप कौड़ियों का मुंह ऊपर नीचे करेंगे तो वो अच्छी नहीं लगेंगी, लेकिन सिप्पियों का मुंह ऊपर नीचे करेंगे तो वो अच्छी लगती हैं। ये देखिए आप लुक देखिए कितनी प्यारी लुक आई है, बहुत सुंदर लुक आती है, आप देख सकते हैं। ये मैंने अलग अलग तरह से आपको करके दिखाया है। अब मैं आपको साइड में लगाकर दिखाती हूँ, अगर सिप्पियाँ साइड में, कौड़ियाँ साइड में लगी हैं तो साइड में कौड़ियों को कैसे इफेक्ट करता है। ये देखिए साइड में कौड़ियाँ लगी होंगी तो कौड़ियों का इफेक्ट इस तरह से आएगा। ये सिर्फ हेयर बैंड, जब साइड में आप लगाते हैं तो सिर्फ हेयर बैंड ही यूज कर सकते हैं आप। तो आपने देखा ये कितनी सुंदर कितनी प्यारी आई हैं ये सब चीज़ें, देखिए ये कितना सुंदर आया है, ये देखिए कितना सुंदर लुक आया है।
तो आप भी, आपके पास इस तरह की कोई चीजें हो तो उससे आप इसको डेकोरेट कीजिएगा, बहुत सुंदर इफेक्ट आएगा और आपकी जो प्लेन चीज है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी, बिल्कुल क्लासिक हो जाएगी। गुड लक।